शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोशिश कीती लाख बारी डिम डिम तारियां दी रोशनी च सोने अब तेरा इंतजार कर दी मैंने तेनु पुछिया जी इस समय तक कर दी मैं ना इनकार कर दी कच से भी कच है कि नरम कलाई मेरी हौली हौली हाथ पड़ ले हाथ मेरे पड़ के स्पिन मैनु करी जा तू मोरे सारे काम कर ले हाउ मी नाउ किस दावे कर दा टेल मी नाउ देरी है जनता में आक्रोश है, लोग सड़कों पर मोर्चे निकाल रहे हैं। इन अश्लील फिल्मों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो चुकी है। शकीला की वजह से हम सब बदनाम हो गए, सारी इंडस्ट्री पर असर होगा। इसे तो बेहतर है कि हमें फिल्में बंद कर देते हैं, पैसे तो मांग सकते हैं ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक खराब बदली की वजह से पूरा का पूरा तालाब ही खराब हो। इतनी सेक्स फिल्मों में ठीक। बस शकीला की फिल्में बंद होनी चाहिए।
शकीला, राजन भाई ने गुजारिश की, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गया। सच कहूं तो तुम्हारी दास्तान लिखने में मेरा उतना ही मन है जितना आजकल लोगों को दूरदर्शन देखने में। दूरदर्शन की कहानियां तो लोग आज भी याद करते हैं। मेरी पसंदीदा है नुक्कड़, आपकी कौन सी है? मालगुडी डेज, तुमने देखी भी नहीं होगी। देखी है ना सर, मलयाली हूँ। अच्छी कहानी बन जाएगी तो लोग दूरदर्शन पर भी देखेंगे। मुझे मेरे फन के बारे में मत समझाओ। अच्छी कहानियां मैं चुटकियों में लिखता हूँ, चुटकियों में। मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है बस। क्यों? इज्जत है मेरी इंडस्ट्री में, इतने अवार्ड जीते हैं मैंने, और तुम एक पोर्न। क्या? पोर्न स्टार? सही फरमाया, एक पोर्न स्टार। जिंदगी भर तुमने अपने जिस्म दिखाने के अलावा और क्या किया है? जिंदगी भर तो नहीं। क्या मतलब? एक जमाना था जब मैं भी बाकी लड़कियों की तरह स्कूल जाया करती थी। बड़ी होकर शादी करने के अलावा मेरा और कोई सपना नहीं था। फिर आप ही बताइए, आप तो सब समझते हैं ना? क्यों कोई लड़की पर्दे पर या उसके पीछे कपड़े उतारने के लिए मजबूर हो जाती है? इज्जत बेच के शोहरत कमाना पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, जो तुमने किया। मैंने कहीं सुना था, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेखक वो देख पाता है जो बाकी की दुनिया नहीं देख सकती। पर आपकी गाड़ी तो मेरे फैंस की तरह मेरे ब्लाउज पे आके ही अटकी। खैर, इजाजत चाहती हूं। शकीला, हो सकता है तुम्हारी दास्तान में बताने लायक कुछ हो, लेकिन अगर मैं इसे लिखूंगा तो अपनी शर्तों पर। सोच लो, हम तुम्हारा नार्को टेस्ट कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पूरा बेहोश नहीं करने वाला हूं। तुम सब कुछ समझ सकोगी। ये इंजेक्शन लेने के बाद तुम एक ड्रीम स्टेट में चली जाओगी। इस स्टेट में झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। तुम जो बोलोगी सच बोलोगी। ये मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूं। तैयार हूं। टेस्ट शुरू कीजिए। सिस्टर। यस डॉक्टर। इंजेक्शन। यू कैन स्टार्ट नाउ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शकीला। मैं अब्बू की आंखों का तारा थी। मुझे हंसते खेलते देखकर वो बहुत खुश हो जाते। बहुत कुछ करना चाहते थे मेरे लिए, बहुत कुछ देना चाहते थे मुझे, लेकिन हम गरीब थे। ऊपर से उन्हें टीबी था। अब देखो, आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, बल्ला बल्ला। अरे शक्कू बेटा, मछलियाँ तेरा गाना सुनने नहीं आएंगी। अबू, ये गाना नहीं दोहा है, इसे सुनके मछलियाँ पास आ जाती है। मैं आपकी मदद कर रही हूँ अबू। बेटा तेरा अबू गरीब जरूर है, मगर बेवकूफ नहीं। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, बल्ला बल्ला, इनकार तेरा। ओ, आजा अबू। मेरे अब्बू गरीब थे, बीमार थे, उन्हें टीवी था, और ऊपर से घर में हम लोग 6 बहनें थी। पर फिर भी हम सब खुश रहते थे, सिवाय अम्मी के। अम्मी, अम्मी देखो। अरे देखो तो शकु बेटी ने कितनी बड़ी मछली पकड़ी है, वो भी गाना सुनाकर। बस यही करते रहो तुम बाप बेटी। दिन भर नदी किनारे बैठे रहोगे या कभी नदी पार करने का भी सोचोगे? अच्छी भली जूनियर आर्टिस्ट थी, आज भी अगर वहां होती तो क्या पता कोई मौका ही मिल गया होता। मेरे सारे रिश्तेदार, कोई दुबई, कोई मस्कत, कोई सऊदी, पता नहीं कहां कहां चले गए हैं। और मैं
अटक गई हूँ यहाँ पर इन मछलियों की तरह। घिन आने लगी है मुझे इन मछलियों से, इस गांव से और तुमसे भी। शकीला, तुझे स्कूल के लिए देर नहीं हो रही? पीछा कर रहा है? पीछा? पागल है क्या? मैं तो बस क्लास जा रहा हूँ। तो जा ना, इधर क्यों रुका है? हाँ, मैं कहीं भी रुक सकता हूँ, मेरी मर्जी, ये देश आजाद है। अच्छा बता, बुर्का क्यों उतारा? मेरी मर्जी, तुझे क्या, मैं कुछ भी पहनू। तुझे नहीं मालूम ये देश आजाद है? मैं तेरे घर पे बता दूंगा। जा जा बता दे, मैं कौन सा डरती हूँ। क्या हुआ फट्टू? फट्टू किसको बोला? तुझे बोंदूराम। देख, तू मेरे अच्छाई का फायदा उठा रही है। ओहो, बहुत भोला बन रहा है। और वहाँ बोट पे जो तू मुझे घूर घूर के देख रहा था, उसका क्या? हाँ बोल। वो तो मैं, देख बोंदूराम, ये बुरखे वाली बात किसी को पता ही ना, तो समझ लेना। हाँ। चल निकल। महाभारत। बच्चों, ये है इस साल का एनुअल डे फंक्शन का नाटक। सबको पता है ना इसके बारे में? हाँ सर। सब बच्चों को किरदार चुनना है और मैं बताऊंगा कि कौन क्या बनेगा। ठीक है सर। भीम कौन बनेगा? मैं। भीम के लिए थोड़ी जान चाहिए, तुम बैठो। तुम सही हो। कृष्णा कौन बनेगा? सभी कृष्णा बनना चाहते हैं, मैं देखता हूँ। तुम सही हो। चेरी सर। हो गया कृष्णा, चलो। दुर्योधन कौन बनेगा? कोई नहीं, पता था खलनायक है ना। एक कहानी में तर्क और वितर्क दोनों होते हैं और कहानी के लिए दोनों जरूरी हैं। एक एक्टर का काम है एक्टिंग करना और वो उसका धर्म है। तुम खड़े हो जाओ सर। तुम दुर्योधन बनोगे। जी सर। द्रौपदी कौन बनेगी? कौन? बोलो। द्रौपदी की वजह से ही महाभारत हुई थी, पता है? पूरी महाभारत में सबसे मुश्किल किरदार यही है। नाटक तो मुझे बचपन से पसंद था। डायलॉग बोलना, डांस करना, ये सब मुझे जिंदा महसूस कराते थे, पर महाभारत के बारे में मुझे बहुत कम मालूम था। बोंधुराम, तू महाभारत अच्छे से जानता है क्या? शायद। शायद मतलब? मतलब जान भी सकता हूँ या फिर नहीं भी, क्या करूँ, बोंदूराम जो हूँ ना। सॉरी, प्लीज माफ कर देना।
अच्छा अच्छा बताता हूँ, पर एकदम से महाभारत? एनुअल डे फंक्शन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अर्जुन और मेरी दोस्ती यहाँ से शुरू हुई। दुर्योधन कौन था? दुर्योधन नहीं, दुर्योधन, वो महाभारत में विलन जैसा था। स्कूल में सबको मेरी एक्टिंग बहुत पसंद आई, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि प्राइज में 1,000 रुपये मिले थे मुझे, मतलब अब्बू की 6 महीने की दवाई। लेकिन अब्बू के नसीब में मेरी कमाई की दवाई नहीं थी। के साथ सब पीछे छूट गया, किराए का घर, गांव, अर्जुन, 5 छोटी बहनें और हम 2, ना खाने का ठिकाना ना रहने का, बस एक ही उम्मीद थी। शादी से पहले अम्मी ने कोचिन में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया था, शायद वहाँ कोई सहारा मिल जाए। उसके बाद हम लोग कोचिन चले गए। माँ काम ढूंढने लगी और मैं घर और छोटियों को संभालने लगी। हाँ, नहीं नहीं मैंने सुना, पर क्या करे। यही रुक। हाँ नहीं नहीं, अरे हम संभाल लेंगे ना, उसमें क्या है। हाँ ठीक है, बाद में करता हूँ। चाहिए जी, आपका इश्तेहार देखा था, आपको एक्टर की जरूरत है ना? माफ कीजिए, पर अभी हमारी फिल्म में माँ के रोल की जरूरत नहीं है।
शकू ये शकू शकीला मेरी बेटी सलाम करो नमस्ते नमस्ते एक्टिंग करोगी बचपन से एक्टिंग करती आ रही है स्कूल के ड्रामों में इसे कब भी मिला था वेरी गुड Cheers. जी अम्मी अम्मी क्या हुआ रो क्यों रही है अम्मी तो मुझसे क्या करवा रही है मेरे कपड़े देख और अंदर एक आदमी मेरे ऊपर हाँ तो क्या हुआ एक्टिंग ही है ये और पर्दे पर है सच में कुछ नहीं हुआ है तेरे साथ देख शक्कू आज जो तूने काम किया है ना उस वजह से दो दिन बाद हमें खाना नसीब हुआ है गुजारा कैसे चलेगा हाँ घर का किराया भी देना है किराया नहीं दिया तो घर छोड़ना होगा पैसे हैं तेरे पास इस शहर में अगर रहना है ना तो या तो मुझे सड़क पर बिकना होगा या तुझे पर्दे पर की बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था मेरी आंखों के सामने मेरी पांच बहनों का चेहरा दिखता था और अब्बू की मजबूरी हालात ने कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया जो भी काम मिला मैं बस करती गई या अल्लाह पानी की मुसीबत खत्म नहीं होती सोई नहीं तो अभी तक वक्त गुजरता गया मैं कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला उस वक्त इंडस्ट्री में दो ही नाम थे सिल्क और सलीम साहब और मैं सलीम साहब की एक्टिंग की दीवानी थी उनके लाखों फैंस में से मैं भी एक थी कोई मारा बज गया ए कहा है सलीम सर को पानी पिला पानी पिला पिला के मार दोगे क्या साले क्या क्या समझ रखा है क्या समझ रखा है मुझे ये क्या सारे बेवकूफ है? है ये एक्टर्स ये टेक्नीशियंस और कितनी इंतजार करवाओगे सॉरी भाई सॉरी ये सलीम की बेट हो रही है सलीम की हेलो पापा हेलो पापा हेलो अरे बेगम आती हूँ चालू करो जल्दी ओके हाँ नहीं नहीं मुझे नहीं इनको दो आज मुझे को फ्रूट्स बनाना आज यस हमारा ना आज एक्शन सीक्वेंस है डिशू चलो चालू करो डिशू चलो 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 खाओ 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 शुरू करो पूरा उठा आज
हीरोइन को बचाना है मुझे। मैं कौन हूँ? सीनियर प्रोड्यूसर। ये क्या लिखा? सीनियर प्रोड्यूसर हूँ मैं। बेवकूफ साले, मिनट में बदल सकता हूँ आठ लोगों को, पता है? सर, ये उंगली क्या? उंगली किसको दिखाते हैं? उंगली किसको दिखाता है? उंगली क्या है? सर, हाँ। सलीम साहब, मैं ना कह रहा था बिल्कुल टाइम पे पहुंचाते हैं सर। सर लेट हो गया। अरे नहीं सर, ये तैयार कर रहे थे सर। सर आपके लिए क्रिप्ट। अबे ये अबे चल भाग भाग। ड्राइविंग में कोई तकलीफ तो नहीं सर? सर आप क्या लोगे सर? आपके लिए ऑरेंज जूस मंगवा सर। ऑरेंज ऑरेंज जूस मंगवा आपको। जाओ ए सर को जूस पिलाओ। अबे मैंगो बता रहा, मैंगो मैंगो पीते सर। मैंगो जूस, मैंगो जूस। हां सर, हां जी सर। वैसे आज आपके आधे घंटे के सर ये सेट बहुत पैसे लगे सर इसमें। ये सब मैंने बनाया सर। शॉट आपको वहां पर है सर। हाँ जी, हीरो ना चुकी सर, वहां पर इंतजार करिए सर। हाँ जी सर, जा रहा हूँ ना। अबे क्या है, अबे क्या है? चल चल। रोल कैमरा, साउंड, एक्शन। सर आ गए सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, मैं बता नहीं सकती, मैं आपकी हर मूवी देखती हूँ सर। सलीम सर, चाहिए आपको? सर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सर क्या हुआ? वह क्या तरकीब ढूंढ निकाला साहब ने? देश की बहु बेटियां तुम्हारी तरफ देख रही हैं, तुम उनके आदर्श हो। जी देखो ये सब नहीं चलेगा, फैमिली फिल्म है। जी सर। वह क्या बात की सलीम साहब ने? मिस्टर डायनासोर, बहुत मजा आ। ड्रेस चेंज। हाँ जी, हाँ जी जी। ब्रेक ब्रेक अब तो गुड एंड चेंज। जी सर। ड्रेस दादा, मैडम का ड्रेस वैनिटी में पहुंचाओ। लेकिन मुझे लगा सबसे पहले खबर आपको देनी चाहिए, अभी तक किसी न्यूज़पेपर किसी मैगजीन को नहीं दिया। सलीम साहब, सलीम साहब, सलीम साहब, कितने ऊंचे विचार है आपके, क्या डायलॉग मारा आपने। मैंने आपके लिए ये ऑरेंज जूस मंगवाया सिर्फ आपके लिए, कबूल कीजिए। घड़ी बड़ी खूबसूरत है। अरे ये हमने जब HD केस किया था, अच्छा। तब वाइफ ने गिफ्ट की थी। HD केस जी, वही हम दिल खो 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 चुके सनम। वाह, ये रख लो, पहन लो। अरे लेकिन है महंगा है सर, रोलेक्स है। नहीं नहीं, मैंने आपकी परेशानी दूर कर दी, अब आपका वक्त मेरे हिसाब से चलेगा। हाँ जी जी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जी, लेकिन वो वाइफ सर, आप बांसुरी भी बजाते हैं? ये कुछ नहीं सर, ये तो मूड किया तो बजा लेता हूँ। हाँ जी बस। जी उस लड़की को भेजो मेरे बैग में। जी जी जी, बेहतर जनाब। हाँ बिल्कुल, बोलो थोड़ी खाया कर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ जी। सर आपने मुझे बुलाया? आप बहुत डिसेंट एक्ट्रेस हैं। थैंक यू सर। आपका फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू। अच्छे लोगों के साथ जुड़ो। जी। एक्सपीरियंस लोगों के साथ जुड़ोगी तो आगे बढ़ोगी। जी सर। तुम में आग होनी चाहिए, ललक सीखने की, आगे पढ़ने की। जी सर। एक्टिंग क्या है? एक्टिंग ऑक्सीजन है। ओके। उसके बगैर आप मर जाएंगे। जी ओके सर। पढ़ो। जी अच्छी एक्टिंग करनी है, पढ़ो। ओके। सलीम खुद एक्टिंग की किताब है, उसे भी पढ़ो। जी सर। माँ बाप भाई बहन सब भूल जाओ। जी सर।
एक्सपीरियंस लोगों के साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा, उनके साथ रहना होगा। जी सर। आउटडोर जा रहे हैं हम, एक लंबा शेड्यूल है। जी सर। आप माँ को नहीं ला रही हैं, जी। पढ़ना है तो आप। ठीक है सर। गुड, अच्छे लग रहे हैं ग्रीन। थैंक यू सर। पैर तोता की तरह लग रहे हैं। थैंक यू सर। चलो जी, आंख बंद करो, इस महसूस करो, टच। मुझे छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे थे, सेक्सी नर्स, रेप सीन में हीरोइन की बॉडी डबल। जो मिलता गया बस करती गई। आज सिल्क नहीं आई सर, आपको किसी जूनियर के साथ काम करना पड़ेगा सर। सर ये तीन नई लड़कियां हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सर। आदाब सर, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। गुड, ये अच्छी पॉसिबल। सलीन साहब का ड्रेस लाओ। थैंक यू सर। कैमरा एक्शन। ये रहा मैडम, ये रहा मैडम। सर 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 सुपर्ब सर, वंडरफुल सर, थोड़ा थोड़ा और क्लोज सर, क्लोज क्लोज, इंटीमेट सर, नेवल सर। ए कैमरा ला इधर, कैमरा वांगे इधर ला, रोल शॉट ले। सिंबॉलिक फैमिली ऑडियंस। सलीम सर, सलाम सर। चल जाए बा, चल जाए बा। अड़ता सेटअप। फायर। सर कहाँ? तुम्हारी आंखों में। ओह। गुड एक्टिंग। थैंक यू। चांस चाहिए? ए, लो। सर। हेलो सलीम सर। मेनन। जी सर। क्या चल रहा है अपनी पिक्चर का? नए फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहा हूँ सर। ऑडिशन रोक दो। जी सर। सलीम अपनी पिक्चर का हीरोइन खुद खोजता है, मिल गई। ओके सर। मैं? हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। आज शाम को स्टोरी नहीं सुने, फार्म हाउस में आ जाना।
उस रात क्या किया तुमने? सलीम साहब की इतनी बड़ी फैन होने के बावजूद उस रात में नहीं गई। सिल्क मैडम आइए 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 सिल्क मैडम बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए आराम से। नमस्कार सिल्क मैडम। तो पिछले सीन में ये हुआ था कि हीरो आपको अवॉइड कर रहा था और आप उसके पीछे पीछे जा रही थी। और शकीला आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। सिल्क के साथ तेरा सीन है, मतलब पूरा साउथ इंडिया तुझे देखने वाला है। पूरा साउथ इंडिया हिला के रख। ठीक है ठीक है चल। आपका शॉट ऐसा है आप चलते जाएंगे और शकीला मैडम आपके पीछे चलते आएगा और आपके बैठने के बाद शकीला मैडम आपको। सिल्क ये शकीला है, बहुत बड़ी फैन है तुम्हारी और दम है हाँ लड़की में। लोग अभी से ही इसे जूनियर सिल्क बुला रहे हैं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलो टेक करते हैं। चलो टेक 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 साउंड कैमरा। एक्शन। मैम जूस। ठीक से नहीं कर सकती। अरे दो लोगों ने सेट पे ताली क्या बजा दी? अपने आप को सिल्क समझने लगी हो? सिल्क बनोगी? सिल्क? कपड़े उतारे और हो गया? अगर ऐसा ही होता ना तो हर गली कूचे में एक सिल्क होती। तू जानती है सिल्क क्या है? वो मर्दों का ख्वाब है, सपना है उनका। वो उनकी जिंदगी में आंधी की तरह आती और तूफान की तरह चली जाती है। समझी? पैक अप। अचानक मौत से इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है।
सिल्क सिल्क थी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकती। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या कभी कोई दोबारा सिल्क बन सकती है? अगर हाँ तो कौन? सिल्क की मौत सदमा थी मेरे लिए। कुछ लोगों को पता होता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, और वो अपनी तकदीर से लड़ झगड़ कर अपना मकाम बना ही लेते हैं। और कुछ लोगों को कायनात चुनती है, उन्हें बस उस चुने हुए रास्ते पे चलना होता है। और कायनात ने मुझे चुना, पर मैं चली नहीं, मैं दौड़ी। शकीला की चार फिल्में एक के बाद एक हिट हो गई है। उनकी एक फिल्म उतरी नहीं कि दूसरी आ गई, और वो भी सुपर हिट है। हर थिएटर में एक ही फिल्म है, बस शकीला की फिल्म। एक नया स्टार आ गया है जिसकी फिल्में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। घर की चाबी आग से ज्यादा है मुझ में चिंगारिया। की 100 फिल्में सिल्वर जुबली मना चुकी है। शकीला के कहर से थिएटर ना मिलने पर बड़े बड़े मलयालम सुपरस्टार असुरक्षित हैं। आप कब तक मुझसे ये सब करवाएंगे? शकीला का चेहरा बिकता है, बॉडी किसी का भी हो। सुहाना चेहरा तेरा, बॉडी इसका। सलामी है ये आशिक मेरे नाम के, जिसमें मेरी जवानी हो ना मेरी कहानी, ऐसे चर्चे है किस काम के, दिल मेरा लेने को कर दे। शकीला ये सब तेरी वजह से हो रहा है, ऑफिस ये घर, थैंक यू। तारीफें अपनी मैं ज्यादा अब क्या बताऊं, है शोर ये हर जगह। What? 150 films? I'd like to dub a movies into Chinese, English, Russian, there's so many languages. Udi pono anala Shakila ek palti dekheda maya mana pare manche Shakila va utoko ta jino yume nenaide ukte miru yume mere naam pe mandir ban gaya ab sab ki ghanti bajegi। हेलो सर। वैनिटी किधर है सर? वो अंदर शकील मैडम की शूट चल रही है सर, सारे वैनिटी उसने ले लिए सर। सर आप यहाँ बैठ जाइए सर प्लीज। प्लीज सिट डाउन सर। किधर है तेरी वो 100 डांसर किधर है? सर वो 100 डांसर्स भी शकील मैडम की शूट के लिए बुक हो गई है सर। डायरेक्टर को बुला, बुला डायरेक्टर को। सर वो डायरेक्टर वो शकीला मैडम शूट देखने चला गया है सर। सर सॉन्ग शूट तो है सर, मैं कोरियोग्राफ करूंगा सर। सोलो करूंगा मैं, मेरे को डांसर वांसर नहीं चाहिए, अकेले करूंगा सर। वो सलीम बिकता है ये मिरर दिखा, चल बता मेरे को स्टेप्स क्या है सर। हाँ सर पर आदाब। सलीम साहब सब खैरियत, कैसे हैं आप? क्या रे शकीला स्टार हो गई, ये इज्जत अफजाई का नाटक मत कर। आपके लिए मेरी कोई भी बात नाटक नहीं है, ना इज्जत ना प्यार, मगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूं। आदाब। ये आदाब।
शकीला, धंधा चाहे कोठे पे हो या होटल में, धंधा ही होता है। तेरे को कोई दुल्हन बना के घर नहीं ले जाने वाला। ये व्हाइट शॉल, सफेद चादर ओढ़ने से कौवा हंस नहीं बन जाता। ये तेरे फैंस हैं जो पिक्चर देख रहे हैं तेरी, पैसे दे रहे हैं, वही लोग एक दिन जूते मारेंगे। समझ गई? तेरे को याद है पहली बार मिली थी क्राउड में, जूनियर आर्टिस्ट, मैं बोला हीरोइन बनाऊंगा। उस दिन बुलाया तेरे को, पैग बना के बैठा था, पर तू नहीं आई। क्या लगा तेरे को उस दिन सलीम सुखा सोया? तीन तीन आई थी। वैसे तो आपके सारे डायलॉग मुझे मुंह जबानी याद हैं, फैन हूँ ना, और जब आप डायलॉग बोलते हैं तो मन करता है बस सुनती रहूं। लेकिन आज दो लफ्ज मैं भी कहना चाहूंगी। कौवा हो या हंस, हर पंछी की फितरत होती है उड़ान भरने की। एक उड़ान मैंने भी भर ली है। अब यूं ही उड़ती रहूंगी या कोई शिकारी मार गिराएगा, मुझे नहीं पता। रही बात दर्शकों की, तो दो वक्त की रोटी के साथ दो पल का प्यार मिल रहा है, मेरे लिए बहुत है। आप अपनी सोचिए, एक दिन आपको सेट क्या खाली मिल गया, आप इस तरह बर्ताव करें जैसे किसी ने बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप छीन ली हो? सर, मैंने जो भी किया खुलेआम किया, पर्दे के सामने, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी पर जबरदस्ती नहीं है कि वो मेरी पिक्चर आकर देखे। लेकिन आप, आपकी फिल्म में अगर किसी को आपकी बहन का रोल भी करना हो तो उसे पहले आपके साथ जाके शकीला, बकवास नहीं। बकवास? बुलाया तो आपने मुझे भी था, मैं नहीं आई। क्या कह रहे थे अभी आप अंदर? कौन थी वो तीन लड़कियां उस रात, जरा बताइए सबके सामने। आपकी बीवी तो नहीं थी? नहीं ना सलीम साहब। सर, फिल्म तो आपकी निजी जिंदगी पे बननी चाहिए। यकीन मानिए, मेरी हर पिक्चर से ज्यादा धंधा करेगी और इंडस्ट्री को मिल जाएगा एक नया स्टार, एक नया मेल अडल्ट स्टार। शकीला, मैं फैन के दिल में आता हूं और दुश्मन के दिमाग में। ए, इधर आ। सर, सुना गया कुछ? कुछ नहीं सर। पाग आप। कॉलेज के अंदर
एक लड़की का गैंग रेप हुआ है। चार वहशियों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया और इस खबर ने पूरे राज्य को हिला के रख दिया है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आए दिन होती इन रेप्स ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि गॉड्स ओन कंट्री में आखिर भगवान है? क्या हमारी बहु बेटियां सुरक्षित हैं? सलाम अलैकुम भाईजान। बैठो। शकीला की फिल्म फिर से गोल्डन जुबली मना रही है। रेप केस से शकीला की अश्लील फिल्मों को जोड़ दें तो कैसा रहेगा? रेप तो बंद नहीं होंगे पर शकीला की फिल्में बैन हो जाएंगी। എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ തവണയല്ല, ബലാത്സംഗം വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ സാലിയെ ബഹുത് പൈസേ ബനാ രഹി ഹൈ. അമ്മേ പെങ്ങമാരും സുരക്ഷിതരാണോ? ഇസേ ക്യാ ചാഹിയേ? നാ സ്റ്റാർ, നാ ലൊക്കേഷൻ, നാ പ്രൊഡ്യൂസർ, നാ ബജറ്റ്, കുച്ച് നഹീ. അബ് ടേക്ക് ഹോഗാ. ഇസ്കേ ഫിൽമേ ബന്ദ് ഹോ ജാനേ സേ ഓഡിയൻസ് കി മജ്ബൂരി ഹോഗി ഹമാരി ഫിൽമേ ദേഖ്നാ. ഔർ शकीला की अकड़ भी ठीक हो जाएगी। क्या आइडिया है सर? सलीम का आइडिया हमेशा हिट। ये फिल्में यूथ को इन्फ्लुएंस करती है, दिमाग खराब होता है। इन्हीं फिल्मों की वजह से आज की यूथ बिगड़ रही है। ऐसे फिल्में देखेंगे तो यही सब तो करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत फायदा उठा रही है ये फिल्म। शकीला की वजह से हम सब बदनाम हो गए, सारी इंडस्ट्री पर असर होगा। शकीला को बैन करें। ये फिल्मों को और ये फिल्में बनाने वालों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि हम ये फिल्में ही बैन कर देते हैं। शकीला की अश्लील फिल्में बंद होनी चाहिए। कि ऐसी अश्लील फिल्में बैन कर देनी चाहिए? शकीला की फिल्में बंद होनी चाहिए। मेरी फिल्में बैन हो गई, अम्मी के लाख मना करने पर भी। सॉरी शकीला जी, आपके साथ बुरा हो, लेकिन हम पैसा नहीं छोड़ सकते। अगर हम पैसा छोड़ेंगे तो पैसा हमें छोड़ देगा। थैंक यू। बस 20 प्रोड्यूसर को पैसे वापस किया है, 20 और बाहर खड़े हैं, सबको वापस देगी। इसमें उनकी क्या गलती? पैसे तो मुझे वापस देने ही है। गाड़ी किधर है? वो माजी लेके चली गई है। तो तुम क्यों नहीं गए? वो माजी ने हमें मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ जी। माने ये तो गाड़ी का क्या? एक काम करो। जी। ये रख लो, तुम भी चले जाओ। पर मेम साहब। जी।
मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम इस दुनिया को भूल जाओ। प्यार मैं कैसे भूल सकती हूँ? करती हो ना प्यार? एक तरफ मेरे फैन मुझे चाहते थे और दूसरी तरफ मेरी फिल्म में बैन, एक झटके में सब खत्म हो गया। मैं वापस वहीं पहुंच गई जहां से शुरू किया। माँ के मना करने पर भी मैंने सब प्रोड्यूसर फाइनेंसर पैसे लौटा दिए। माँ ने घर अपने नाम कर लिया, पर कोई बात नहीं, मैंने सोचा मेरी बहनें खुश रहेंगी। मैं सुहाना के घर शिफ्ट हो गई। ये सुहाना कौन है? सुहाना दोस्त, सुहाना बहन, असल में बॉडी डबल। बॉडी डबल मतलब फिल्म में चेहरा मेरा पर जिस्म उसका। कितने अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे। इधर सलीम की पिक्चर लग गई, मुझे जाना है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। चलना सुहाना, ये नई ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है, मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी जबरदस्त एक्टिंग की होगी उन्होंने। एक्टिंग किसको देखनी है यार, हमें तो शकीला को देखना है। सही बात है, देख शकीला के पल्लू गिरने में जो मजा है ना, वही देख देख कर तो हम जवान हुए। तू सही बोला रे। हाँ भाई, जब से शकीला की मूवी में बैन लगा है ना, लाइफ में मजा ही नहीं रहा यार। दो बार तो जरूर देखनी है मुझे शकीला की फिल्म को। अरे नहीं तो नींद भी नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है? शकीला की बॉडी देखनी है? हाँ दिखाऊं बॉडी? दिखाओ शकीला की बॉडी। हाँ बोला, चलो चलो, छोड़ो ना दीदी। ये भौंकने वाले कुत्ते पत्रकार हैं, जल्दी चलो। कौन थी वो? कौन थी भाईजान? खबर ये है कि आखिरी जाबाज का पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो गया है, 15 को रिलीज कर रहे हैं। अच्छी बात है, सबकी फिल्में आती हैं। भाईजान असली खबर ये है कि उसमें राजेश ने अंडर कवर कॉप प्ले किया है। अपने भी तो पुलिस स्टोरी है ना, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ। ऐसा सुनने में आया है कि उसने उसमें फाड़ू एक्टिंग किया है। सेंसर हो गया उसका? अभी नहीं सर, मेहता को फोन लगा। जैस्मिन वो देख, इनोसेंट, यहाँ का सर्कल इंस्पेक्टर। तू पूछ रही थी ना, द मोस्ट कॉकी ऑफिसर, यही है वो। तो रुक मैं आती हूँ। इनोसेंट, जैस्मिन, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट करो। सर आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। ये डस्टबिन में फेंक देना। एंटा तेंगिया को ले दो। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ पीछे से शुरू करूंगा आगे से। व्हाट द हेल? नहीं हेवन, आपको सैल्यूट नहीं किया ना, मुझे माफ नहीं करना।
मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, आपको खुश करना चाहता हूँ, और ऐसा खुश करूंगा कि 7 दिन ठीक से चल ना पाओ। वो करे तो ताली, हम करे तो गाली। ऐसे देख रही है जैसे पर्दे के अंदर चली जाएगी। अरे तेरे जैसे बेवकूफ पागल फैंस की वजह से ना ऐसे लोगों की दुकानें चलती हैं। देख सुहाना, मेरा प्यार अंधा ही नहीं, गूंगा और बहरा भी है। योर ऑनर, बरसात की उस रात रोशनी से जगमगाते शहर से दूर स्लम्स में झोपड़पट्टी में गंदे नाले के किनारे एक मां ने एक बच्चे को पैदा किया जिसे हमारी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी क्रिमिनल्स का अड्डा समझती है, वो झोपड़पट्टी, और वो बच्चा मैं था, मैं। और मेरा गुनाह चोरी नहीं है जज साहब, मेरा गुनाह चोरी नहीं है, मेरा गुनाह गरीबी है, गरीबी। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप दुनिया के तमाम गरीबों को फांसी पे चढ़ा दीजिए, उन्हें मौत की सजा दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, दुनिया से क्राइम मिट जाएगा योर ऑनर, दुनिया से क्राइम मिट जाएगा, मिट जाएगा। या खुदा, इधर भी सली, तू कब निकलेगी इसके चंगुल से? मैं किसी के चंगुल में नहीं फंसी। फंसी है बस, तुझे दिखता नहीं है। तू ना सच में इस देश की जनता जैसी है, बहुत आसानी से माफ कर देती है। अच्छा अब मुझे भी माफ कर दे, तेरा मुंह ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ है। क्या? देख फिल्म अवार्ड का पास है। हाँ। हम सच में दो जिस्म एक जान है ना? नहीं, हम तो एक जिस्म और एक जान है। Cheers. Cheers. दोस्तों, तो अब बारी है एक ऐसे अवार्ड की जिसका इंतजार हम सबको बड़ी बेसब्री से है, द बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल अवार्ड। टू प्रेजेंट दिस अवार्ड में आई प्लीज कॉल अपॉन स्टेज मशहूर अभिनेत्री भावना मेनन। In a lead role, award goes to none other than our superstar, our favorite hero, Saleem Saab, for the film Anarkali. May I please request Saleem Saab to come upon the stage and take this award. Thank you very much. शुक्रिया। जब मैं ये पिक्चर कर रहा था तो मेरे दोस्तों ने बोला मत करो, वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, मना कर दो। कुछ ने बोला कि नाम बदल दो, अनारकली से सलीम की अनारकली कर दो। मैंने बोला नहीं, कहानी अनारकली की है तो फिल्म का नाम भी अनारकली ही होगा। वाह, हो गया दोनों। पहले मैं तुझे लेके जाती थी, अब तो मुझे लेके जा रही है। भूल गई, एक जिस्म एक जान। सुनिए, रुकिए, दिखाइए मैम, ये तो सिर्फ एक पर्सन का पास है, आप तो दो हैं, नॉट अलाउड। जाने दीजिए शकीला मैम। आप मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? दोस्तों, आज इस मंच से मैं ये अवार्ड दुनिया के तमाम औरतों के नाम करता हूं, उन्हें समर्पित करता हूं। शकीला ये, शकीला ये, जल्दी चलो। अबे उस पुरुष को हटाइए भाई लोग, भाई लोग। एक मिनट, हाँ, थैंक यू। अरे हटो हटो, एक एक सब जाने दो। अरे दीदी, ओके ओके, थैंक यू। हाँ बाजू बाजू। सलीम साहब, सर मैं आज भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा,
मेरी फैन। सुनो, दो चार फिल्में देख लेने से मेरी फैन कहलाने लायक नहीं हो जाओगी। मेरे कई हजार फैंस क्लब हैं। मेरे फैंस जो है ना, सिर्फ मेरी पिक्चरें नहीं देखते, मेरे वसूलों आदर्शों पे भी चलते हैं, मेरी पूजा करते हैं। इज्जत बेच के दौलत कमा रही हो, क्या बोलूं तुम्हें, कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। शकीला बड़ी एक्ट्रेस मानती हो अपने आप को। नहीं, एक ऐसी फिल्म करो जो फैमिली ऑडियंस आ जाए देखने के लिए। बनाओ, सिर्फ ये दिखाती हो फिल्मों में, परफॉर्मेंस दिखा ताकि फैमिली ऑडियंस आ जाए सलीम की फिल्मों की तरह, और फैन बनने से पहले औरत बन जाओ। ए, चलो हट। नमस्कारम राजन सर। नमस्कारम। नमस्कारम, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि सुनते ही तू मेरे लिए बिरयानी मंगवाएगी। क्यों मजाक कर रहे हैं? ये मजाक नहीं है शकीला, मैं अभी अभी तेरे लिए नया मर्सिडीज बेंज बुक करके आया हूँ। सेंसर बोर्ड तेरी फिल्म को क्लियर कर रही है। सच? हाँ। शुक्र है, अब तो एक और सिल्वर जुबली पक्की। और नाम भी सोच लिया मैंने, जमाने को दिखाना है। नाम तो अच्छा है, है ना? हाँ हाँ। तो करते हैं ना, ये सब छोड़कर तू काम पर वापस लग जा। राजन सर, अब वो फिल्में मैं और नहीं कर पाऊंगी। मैं एक साफ सुथरी फिल्म करना चाहती हूँ। साफ सुथरी फिल्म? देख शकीला, जो बिकता है वही बेचना भी पड़ता है। हा? साफ सुथरी फिल्म दूसरे लोगों को करने दे, हम वो काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं, लोगों को रिझाना और उनसे पैसे निकलवाना। नहीं, देख शक, मेरी बात सुन। तेरे पास तेरी खूबसूरती है जो लोगों को चाहिए, पंडित और जल्लाद दोनों जरूरी है इस दुनिया में, दोनों। और मैं क्या हूं इन दोनों में से? देवी है तू, देवी, लोग पूजा करते हैं तेरी। हाँ करते हैं, मगर चुपचाप, छुप छुप कर। पर दिल खोल कर दक्षिणा तो देते हैं, सोने में तोलते हैं तुझे। मुझे नहीं, मेरे जिस्म को। अरे जिस्म भी तेरा ही है ना। राजन सर, मैं सिर्फ इस जिस्म को अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती, मैं एक ऐसी फिल्म करना चाहती हूँ जो पूरी फैमिली मिलकर देखे। बस अब और नहीं, मैंने तय कर लिया है, अब मुझसे और नहीं होगा। आप चाय लेंगे या फिल्टर कॉफी? क्या चाहिए तुझे? एक पावरफुल रोल, रियल एक्टिंग, क्या बनना चाहती है? नर्स, स्कूल टीचर, एयर होस्टेस, पुलिस वाली, एक ऐसी पुलिस वाली जो हीरो के पिछवाड़े पे डंडा मारेगी, फटाक फटाक, उसके बाद लोग सिर्फ तुझसे डंडा खाने के सपने देखेंगे। क्या सर? क्या? अब मुझसे ये 2 मिनट में कपड़े उतारने वाले रोल नहीं हो पाएंगे। पैकअप, पैकअप हो जाएगा तो? तेरा भी और मेरा भी। आपको मेरी एक्टिंग पर भरोसा नहीं है क्या? तेरे एक्टिंग पर पूरा भरोसा है शकीला, पर पब्लिक पर नहीं। तेरी इमेज बन चुकी, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। और इस इमेज से हमने पैसे भी बहुत कमाए हैं। हाँ, पर
अब मैं अपनी काबिलियत लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मतलब तू अपना इरादा नहीं बदलेगी, ठीक है? कहानी के बारे में कुछ सोचा है? मिल गई। क्या? क्या कहानी? बायोपिक, तेरी जिंदगी की असली कहानी। मैं चाहता हूं कि लोग पर्दे के पीछे की शकीला को देख सके। हा? अब तक जो तूने किया वो सब भूलकर ये देखे कि तू यहां तक कैसे पहुंची। हा? बोल, करेगी? हाँ। मैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राइटर को बुलाऊंगा, सबसे बड़ा। मेरे सवाल पूरे हो गए डॉक्टर साहब, मुझे और कुछ नहीं पूछना। ठीक है, अब यह दास्तान मैं लिखूंगा, आप तैयारी शुरू कर लीजिए। अरे अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते नहीं है ये कितना जरूरी है। आज तक लोग सिर्फ पर्दे के आगे वाले शकीला को ही देखते आए हैं, अब हमें इस फिल्म में पर्दे के पीछे वाले शकीला को दिखाना है। चलिए चलिए। क्या जिंदगी है हमारी। क्या हुआ भैया? पूरा दिन हम काम करते हैं और वापस आते हैं और घर आके देखो तो ये खाता रहता है, खाना और सोना, बस यही काम करते हैं। धरती पे बोझ बन गए हैं ये, न जीते हैं न हमें जीने देते हैं। हाँ भैया, सारा वक्त इन्हीं में निकल जाता है। कब इन्होंने खाना खाया, कब दवाइयां खाई, पढ़ाई का वक्त कहाँ मिलता है? मुझे क्या इनकी तरह बेकार जिंदगी बितानी है? देख देख इसे, इतना कहने से किसी को भी शर्म आ जाए, पर इसने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। बार रुला देता है यार, कितनी आस्था से एक्टिंग करता है, ऐसा लगता है हर चीज महसूस कर रहा हो। सच में कमाल का एक्टर है ये। निजी जिंदगी में चाहे कितना भी घटिया इंसान हो, पर्दे पर आते ही भगवान का रूप धारण कर लेता है। अपनी अगली पिक्चर में मैं भी बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग करूंगी, हर चीज महसूस करके। हेलो शकीला। राजन सर। हेलो शकीला, अहमद अली ने कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है। शकीला के फैंस के लिए अच्छी खबर है, उनकी फिल्मों पर से बैन हट चुका है और उनकी नई फिल्म जो कि उनकी बायोपिक है शुरू हो चुकी है। ये मेरा घर था, मैं अपने अम्मी अबू और बहनों के साथ यहाँ रहती थी। यहाँ मेरे बचपन की सबसे हसीन यादें जुड़ी हैं, अब्बू और मैं यहाँ आया करते थे। काफी कुछ बदल गया है, देखो देखो शकीला, मैं यहाँ बैठा करती थी। मुझे पता था कि आप लास्ट वेंचर ही होंगी। पहले घर, फिर लेक, अब यहाँ। ये ड्राइवर को कैसे पता चला? मैंने तो कुछ नहीं बोला ना। हाँ
अरे भोंदूराम, तुम सुहाना, मैंने बताया था ना मेरे स्कूल में मेरे साथ था, हाँ, महाभारत वो, हाँ, हाँ, द्रौपदी साड़ी याद है, ये अर्जुन भी याद है। तुम यहाँ कैसे? यहाँ मेरे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और इस शूट की सभी गाड़ियाँ मेरी है। जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ रही हो तो ड्राइवर को छुट्टी दे दी। Say good morning. No, fight master Danny. Different Danny, fight master. Quite different. जी. कैसे हैं आप? अच्छा सर. Sort क्या है बताओ. देखिए सर. ऐसा कर रहा सर. हाँ सर ऐसे. Hey, mark पे है, mark पे. Ready? ऐसे सर. बहुत मजा आ गया। What a shot, sir. कैसा था? Superb shot sir. Thank you very much sir. Sorry sir. Very nice sir. Superb shot. Superb shot. वाह वाह मजा आ गया. Super shot. अब्बू मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। पर मैं क्या करती? आपके जाने के बाद घर में 5 लोग थे और कमाने वाला एक भी नहीं। अम्मी के कहने पर मैंने इन फिल्मों में काम करना शुरू किया। पर मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया उसमें मुझे ज़रा भी खुशी नहीं मिली। पर जब भी मैं अपनी बहनों के बारे में सोचती तो मुझे बाकी सब चीज़ें छोटी लगने लगती, मेरी अपनी ज़िंदगी भी। मैं वादा करती हूँ अब्बू, आज के बाद आपकी शक्कू जो भी करेगी आपको उस पर नाज होगा। और एक और बात, मुझे आपकी बहुत याद आती है, काश आप होते। Fantastic. Thank you. बहुत अच्छा किया थी सच। अर्जुन। ओ अच्छा, ये तेरा महाभारत वाला अर्जुन। शकीला, अब तेरा अच्छा वक्त आ गया है। तेरी जिंदगी में अच्छे लोग वापस आ रहे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? क्या? मुझ जैसा टैलेंटेड डायरेक्टर मिल गया है। क्या बात है भाईजान, फिट लग रहे हो? वेट लॉस चाहिए। खबर ऐसी लाया हूँ कि वेट लॉस हो जाएगा। क्या है? आपकी फिल्म के साथ शकीला की फिल्म रिलीज हो रही है और अंदर की खबर यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स डरे हुए हैं, कतरा रहे हैं आपकी फिल्म लेने से। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो आपके नंबर्स अच्छे नहीं थे, आपके मुंह पर कोई नहीं बोलेगा। हीरो राजेश तो समझ गया, पर ये हीरोइन शकीला कब समझेगी? जंगल के कायदे कानून नहीं समझते। जब शेर आता है ना तालाब में पानी पीने, तो बाकी जानवर पीछे हट जाते हैं, और जो नहीं हटता उसका क्या होता है? शिकार। चल चाय पीते हैं। हाँ मैं भी। शकीला, संडे को ओनम है और घर आना मत भूलना। ओके। अरे इतनी बड़ी स्टार खुद मेकअप लगा रही है, मेकअप दीदी को बुलाऊं? अच्छा
मतलब मेकअप नहीं, श्रृंगार चल रहा है। वैसे ये साड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अच्छा ओनम है ना, पर ओनम तो हर साल आता है, पहले कभी इतना तैयार होते हुए नहीं देखा। बस भी करना, बताना कौन सा पहनूं। ये पक्का? इतने सालों में मेरी चॉइस पर कभी डाउट नहीं किया, आज अचानक? अब तो ऐसा ही होगा, अब तो किसी और की चॉइस से सब कुछ चलेगा। दोस्त, दोस्त, उफ चुप कर, ड्रामा। मुझे गाने दो दीदी, अब ये दुखी गाने ही मेरा सहारा है। चल जल्दी कर, देर हो रही है, चलना। दी लिपस्टिक? हाँ? क्या क्या हुआ लिपस्टिक को? लिपस्टिक बहुत अच्छी है। ओनम में किसिंग अलाउड है क्या? सुहाना। चलो दीदी। अब क्या हुआ? ओनम शाम साकर। नमस्ते, हैप्पी ओनम। अगत्य के विरु। पार्वती नायर। नहीं मतलब पूरा नाम बताओ ना, पापा के नाम के साथ। ये अपने पिताजी का नाम ठीक से नहीं बोल पाती, इसलिए शर्माती है। तुम्हारी फैमिली बहुत सुंदर, वो ये तुम बहुत लकी हो। हैप्पी ओनम एवरीबॉडी। गोवर्धन। कौन गोवर्धन? ये मेरी बहन लक्ष्मी है और ये इनकी बेटी। बस इसमें से जम मारना है सर। हाँ, मैं दिखाता हूँ सर। ये वाह वाह बहुत खूब बच्चर, बहुत खूब। ओके रेडी, साइलेंस। हाँ सर, हाँ पिक्चर भी बाकी है। हाँ जी रेडी 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 साइलेंस रेडी, स्टार्ट कैमरा रोलिंग, एक्शन। वन मोर माय फॉल्ट। चलें साहब, you can do it, come on, you can do it। हाँ जी, okay okay okay, one more, ready? सर और थोड़ा, थोड़ा सर please, thank you, ready? Start camera, rolling, action। Relax सर, आराम से, cut। क्या है ये? मैं तेरे को दे रहा हूँ, कर रहा हूँ ना? सर, आप superstar, आपका तो सिर्फ only 8 frames, enough सर। वो देखो ट्यूब, ए ट्यूब इधर आ। ये कर सकता है जंप सर, सिंपल है सर। ओनली ऐसे ऐसे, या फिनिश। डैनी यू आर रियली डिफरेंट। थैंक यू, डिफरेंट डैनी सर। आप बैठ जाइए चेयर पे सर, आप बैठ जाइए। ऐसा था ऐसे, इनफ सर। वाह वाह वाह, सुपर सुपर।
ज्यादातर कैमरामैन सिगरेट क्यों नहीं पीते? वो इसलिए कि वो अरे क्योंकि लाइट करने में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं ना। आइए आइए सलीम साहब, आइए सलीम साहब, आइए आना भाई जान। एक मिनट, आ जा बैठिए प्लीज। अरे पाया लागू सर, बैठिए बैठिए। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिनेंसर थॉमस साहब जी, क्या बात है, बिन बताए आ गए? अरे सलीम साहब भूल गए क्या, आप ही ने तो बुलाया था। स्क्रिप्ट में इतना घुस जाता हूँ कि जिंदगी भूल जाता हूँ। सलीम साहब भी कमाल, कितनी गहरी बात कही है। अच्छा भाई साहब एक ताजी खबर है, शकीला की फिल्म में विलन फाइनल हो गया है। कौन? आप। मैं? मतलब सलीम का कैरेक्टर विलन है, मतलब पर्दे के बाहर और पर्दे के भीतर दोनों जगह विलन मैं। हवा का रुख बदल रहा है। पहले अंडरवर्ल्ड वाले कॉल करते थे तो पैसों की मांग करते थे जी, आजकल इलेक्शन का टिकट मांगते हैं। गलती से मिस्टेक होगी सलीम साहब, माफ कर दीजिए, सॉरी। जो काम कमरे के अंदर चार दीवारी में होनी चाहिए उसी काम को वो आजकल पर्दे पे उतार के औरतें पैसा कमा रही हैं। आपको अच्छा लगता है? नहीं देखो मैं मौका दे रहा हूं आपको जी, एक साफ सुथरे आदमी के साथ जुड़ने का। जी 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 जी, समझ रहे हो ना आप? हाँ जी जी, थैंक यू। नहीं पिल्ले साहब नहीं भाई, हमको माफ कर दो। अरे बहुत बड़ी गलती होगी आपकी फिल्म में पैसे लगाकर। अरे थॉमस साहब ये आप क्या कह रहे हैं, आज तक हमारी किसी फिल्म में भी आपने पैसा खोया है? वो इसलिए क्योंकि तुम जानते हो मार्केट में क्या चलता है, और फिर सही हीरो और सही हीरोइन के साथ काम जो करते आए हो। हाँ तो अब अचानक क्या हो गया? सर मुझे पूरा विश्वास है इस फिल्म में, और शकीला हमें इतनी हिट फिल्म दे चुकी है। उन फिल्मों में और इस फिल्म में बहुत फर्क है। इस फिल्म में शकीला कपड़े नहीं उतारने वाली, और ये बात जब ऑडियंस को पता चलेगी ना तो कोई नहीं आएगा फिल्म देखने। आपकी फिल्म फ्राइडे को लगेगी और मंडे को उतर जाएगी थिएटर से। ऐसा नहीं होगा सर, स्क्रिप्ट में दम है, कहानी में दम है। आप भी बिल्कुल राइटरों वाली बातें करते हो, कहानी में दम है। अरे पिल्ले साहब फिल्में चलती हैं हीरो की वजह से, समझे? और आपने तो हीरो को ही विलेन बना दिया। नहीं नहीं मुझे माफ कर दीजिए, देखिए मैं एक इन्वेस्टर हूं, कोई गैम्बलर नहीं हूं। थॉमस साहब आपकी पिक्चर से फाइनेंस वापस लेने की वजह काफी गौरतलब है। नहीं मतलब आपको पता था कि इस फिल्म में मैं एक्सपोज नहीं करने वाली, आपने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी और आप कहानी भी जानते थे, और आपने खुद ही कहा था कि कहानी में दम है, तो फिर आज अचानक क्या हुआ? मैं बताऊं, आपके मालिक ने आपको फोन किया और कहा भौंको, और आप भौंकने लगे। शकीला चुप कर। अरे छोड़ो, यहाँ से निकलकर वहीं जाने वाले हैं अपनी दुम हिलाने के लिए। आपका नाम थॉमस नहीं टॉमी होना चाहिए, चलो। शकीला कहते हैं सच्चे मन से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, क्या हमने पूरे मन से नहीं चाहा कि ये पिक्चर बन जाए? शकीला ऐसे डायलॉग तो सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, शायद वो ऊपर वाला हमें कोई और इशारा दे रहा है या फिर हमारी परीक्षा ले रहा है। शकीला तू एक बात समझ, थॉमस के पैसे निकालने के बाद हमें कोई और पैसे नहीं देगा। मैं अपना पैसा लगाऊंगी। क्या? हाँ इस फिल्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। शकीला तू समझ रही है तू क्या कह रही है, तू रास्ते पे आ जाएगी। मैं लेकर क्या आई थी जो यहाँ खो दूंगी।
आदाब। चलो चलिए। अम्मी अम्मी अम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए? थॉमस ने फाइनेंस करने से मना कर दिया, तो मैंने सोचा अपने खुद के पैसे लगाऊं। खुद के पैसे होने भी तो चाहिए ना। क्या मतलब? सुना नहीं, पैसे कहाँ हैं? कहाँ गए पैसे? इतने सारे पैसे तो थे अकाउंट में। कहाँ गए? कहाँ गए का क्या मतलब है? इतना सारा नुकसान, शेयर और एस्टेट के धोखे, और तेरे खर्चे क्या कम है? शूट, शॉपिंग, जूते, कपड़े, खाना पीना, तेरे खर्चों की वजह से मैं तो अपने लिए कुछ ले ही नहीं पाती। और छोटी की शादी, और मैंने तुझसे कितनी बार कहा प्रोड्यूसर को पैसे वापस मत दे, झगड़ा करके चली गई सुहाना के यहाँ। और वैसे भी अभी मुझे बाहर जाना है, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दीदी उदास मत हो, माँ को छोड़ो, अपनी छोटी बहन से बात कर लो। छोटी बहन? बहुत खूबसूरत लगेगा। अम्मी शकीला आपा आई है। अरे अम्मी मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। इधर आ। आ। तू यहाँ क्या कर रही है? देख शक्कू, तेरे बारे में जानते हुए भी इन्होंने शादी के लिए हाँ की है। मेरे बारे में मतलब? यही कि तू कैसी पिक्चरें करती है, तेरा इंडस्ट्री में क्या नाम है। अब तू अगर अंदर आई ना और तुझे किसी ने देख लिया तो शादी से मना कर देंगे। तो ये शादी हो कैसे रही है? माई जितना भी आपने खर्चा किया है ना, उसके सारे पैसे मेरे उन्हीं फिल्मों से आते हैं। जो भी हो, मैंने कह दिया ना। अरे तेरा घर तो बस नहीं सकता, कम से कम अपनी बहन का घर तो मत उजा। क्या सौगात देगी तू अपनी बहन को? हाँ अपनी बहन की सौगंध है तुझे, चली जा यहां से। माँ हमेशा कहती थी कि मुझे सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं काम करती चली गई, बाकी सब उन पे छोड़ दिया। पर मैं उनके लिए वो सोने की चिड़िया थी जो अगर शादी कर लेती तो उड़ जाती। प्रोड्यूसर उन्हीं के हाथ में पैसे देते थे, मैंने कभी पूछा ही नहीं कि अकाउंट में कितने पैसे थे। अर्जुन तुम्हारे पहले रोल के लिए मैंने अपनी माँ की साड़ी दी थी और तुम ट्रॉफी जीती थी। शकीला आज मैं वही साड़ी लेकर आया हूँ। अर्जुन ये क्या? कुछ और गाड़ियाँ लेने के लिए रखे थे, वो तो बाद में भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं रख सकती। मुझे तुम्हारी एक्टिंग पर तब भी यकीन था और आज भी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाएगी। इसे तुम रख लो प्लीज। अर्जुन
वो लम्हा जैसे जिया ही न था, है वो ठहरा हुआ तेरी मेरी राहों में। आ जा इसको धड़का ले बाहों में, जो न हुआ पहले कभी अब हो जाने दे। वो लम्हा जिसे जिया ही न था, है वो ठहरा हुआ तेरी मेरी राहों में। आ जा इसको धड़का ले बाहों में, जो न हुआ पहले कभी अब हो जाने दे। सोचे मेरी आंखें हुई जो मुलाकातें, सोचे मेरी आंखें। है तू आज ख्वाबों में या सामने, वो लम्हा जिसे जिया ही न था, है वो ठहरा हुआ तेरी मेरी राहों में। आ जा इसको धड़का ले बाहों में, जो ना हुआ पहले कभी अब हो जाने दे। माई स्टोरी पुलिस स्टोरी। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस में एक अलग ही तरह का क्लैश होने वाला है। शहजादा सलीम के सामने है एडल्ट स्टार शकीला। सलीम, जिनकी फिल्में हमेशा सिल्वर जुबली मनाती हैं और जिनकी फिल्में पूरी फैमिली ऑडियंस देखती है, और शकीला, जिनकी फिल्मों में अश्लील शब्द हो और सीटियों से पूरा हॉल गूंजता है। तो आइए देखते हैं सलीम के इस एक्शन ड्रामा के सामने शकीला का ये ड्रामा कितने दिन टिक पाएगा। हेलो भाई जान, फिल्म सुपर हिट है, ओपनिंग जबरदस्त। Say something new. कुछ नया बताओ। शकीला की फिल्म बहुत ठंडी है और सलीम की फिल्म हाउसफुल है। हेलो। कलेक्शन थोड़ा लो है पर तू टेंशन मत ले, वर्ड ऑफ माउथ से पिकअप हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। भाईजान ताजा खबर यह है कि थोड़ा ड्रॉप है। कुछ नया बताओ। यही नया है भाईजान, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। सलीम की फिल्म लोगों को उतनी पसंद नहीं आ रही है और उसका कलेक्शन लो है, वहीं दूसरी तरफ शकीला की फिल्म पिकअप हुई है। हेलो। हाँ पिकअप हो रहा है। हाँ बहुत लोग आ रहे हैं। मैंने कहा था ना। शकीला की मूवी को लोगों ने पूरी तरह से पसंद किया है, शोज हाउसफुल जा रहे हैं, फिल्म हिट है। सलीम भाई की मूवी को पूरी तरह से नकार दिया।
अर्जुन 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 आखिर तूने वही किया ना जिसके लिए तू फेमस है। क्या तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अर्जुन। मेरी बहन की बच्ची को लेकर गया था मैं कि एक फैमिली मूवी है समझ के, लेकिन इसमें भी वो सब कुछ था जो तेरी हर मूवी में होता है। नहीं, एक धंधे वाली को कपड़े से ढकने लगा था मैं। काश काश हम कभी मिले ही ना होते। सबसे ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुझ पर, तुझे मैंने अपना परिवार समझा, अपनी बहनों से ज्यादा समझा, पर तूने भी वही किया जो सब करते आए हैं मेरे साथ। क्या फर्क है तुझ में और मैं? हाँ, क्या फर्क है? जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ करना चाहा, खुद के लिए। क्या चाहती थी मैं? थोड़ी सी इज्जत? हाँ, तुझे तो सब मालूम था ना, तुझे मालूम था ना ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी मेरे लिए। मेरा इकलौता मौका था सब सही करने का, तूने मुझसे वो मौका छीन लिया। क्यों 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 दिया मुझे धोखा? मैं हर तरह से हार गई। कहां जाऊं मैं, क्या करूं? शकीला क्या कर रही है तू? बस कर, पहली बात यह है कि इसमें सुहाना की कोई गलती नहीं थी, यह मेरा फैसला था। क्या जानना चाहती है तू कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने रफ कट डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया, सबने रिजेक्ट किया। जैसे हमने शूट किया, कोई सेक्स नहीं, सिर्फ एक्टिंग, ड्रामा और तेरी कहानी, सबने रिजेक्ट किया। फिनेंसर पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, थिएटर रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं क्या करता? तेरे भी तो सारे पैसे खत्म हो चुके थे, तू रोड पे आ जाती। राजन पिल्ले, अपने लालच को मेरी मजबूरी का नाम मत दे। तू भी वही है सबकी तरह। सलीम साहब क्या कर रहे हैं? शकीला आ रही है। यही मौका है।
दी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। पेशेंट सीरियस है, आप बाहर जाके इंतजार कीजिए। क्या आपको लगता है लोगों का ये गुस्सा जायज है? आपकी इन घटिया फिल्मों की वजह से इंडस्ट्री की हैसियत बिल्कुल नीचे गिरती जा रही है। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है ये हमला किसने किया? बताइए शकीला। आपको ऐसे अश्लील पिक्चरें करते हुए कभी शर्म नहीं आई? आपके इस पिक्चरों का लोगों के ऊपर और ये समाज के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है कभी सोचा तुमने? बोलिए मैडम, बोलिए। समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये जो रेप्स हो रहे हैं और सेक्स क्राइम्स हो रहे हैं, इनका सीधा लेना देना है आपकी फिल्मों से। क्या है कहना गलत है कि जो सारी रेप्स जो हो रहे हैं आपकी फिल्म की वजह से हो रहे हैं? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो? बताइए, हमको जवाब चाहिए। मैं जिम्मेदार हूं इन रेप्स के लिए। मेरी फिल्में जिम्मेदार हैं इन रेप्स के लिए। एक बात बताइए, जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची थी तो वो कौन सी फिल्म देखकर आया था? रावण ने सीता का अपहरण फिल्म देखने के बाद किया? अगर हाँ तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। अगर मेरी फिल्मों की वजह से समाज में रेप होते तो हर फ्राइडे होते, उसी थिएटर में होते जहां औरत और मर्द साथ में बैठकर ये फिल्में देखते, मगर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार मैं या ये फिल्में नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है? इन फिल्मों में काम मैं करती हूं, पर इन्हें देखता कौन है? मुझे स्टार किसने बनाया? तुमने कभी ना कभी तो मेरी कोई फिल्म देखी होगी, या तुमने? सिनेमा घरों के बंद अंधेरों में मेरी फिल्में देखते हो, मेरे साथ सोने के सपने देखते हो, मेरा पल्लू गिरने पर सीटियां तालियां बजाते हो, और बाहर के उजाले में अपने मन के अंधेरे का जिम्मेदार मुझे ठहराते हो। ये फिल्में बनाने वाला मर्द, इन्हें देखने वाला मर्द, रेप करने वाला मर्द और सवाल पूछने वाला भी मर्द, अगर मैं जिम्मेदार हूं तो तुम सब गुनहगार हो।